हम सभी जानते हैं पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ये भी जानते हैं कि इसमें से 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए नदियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दुनिया की सारी नदियां हमारे लिए सुरक्षित हैं। कुछ नदियां हैं जो हमारे लिए खतरनाक मानी जाती हैं। चलिए आज आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक नदियों से मिलवाते हैं। नंबर 10 पे है मेकांग नदी। मेकांग नदी एशिया में 7वीं सबसे लंबी नदी है और दुनिया में 10वीं है। यह नदी चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा और थाईलैंड के माध्यम से चलती है। इसमें करीब 2703 मील की दूरी है और इसके मार्ग में एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें दुर्लभ प्रजाति डॉल्फिन और मगरमच्छ शामिल हैं। इसके रैपिड्स की ताकत और इसकी मात्रा स्तर पर नेविगेट करना लगभग नामुमकिन बनाता है। साल 2000 में रैपिड्स बाढ़ के कारण 90 लोग मारे गए थे और 2008 में मेकांग नदी की सबसे बुरी बाढ़ हुई जिसके कारण $66 मिलियन की हानि हुई। नंबर 9, लीना नदी। इस नदी को दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी माना जाता है जो लगभग 2734 मील लंबा है। यह पूर्वी साइबेरिया के माध्यम से चल रहा है और लापेव समुद्र में बहने के लिए दो अन्य नदियों से जुड़ जाते हैं। सर्दियों के दौरान नदी जमी होती है और जब वसंत आती है बर्फ पिघलता है, बाढ़ का उत्पादन करता है क्योंकि बर्फ ब्लॉकों पानी के प्रवाह में बाधा डालती है। अंतिम त्रासदी 2007 के दौरान हुई जब लीना नदी में बाढ़ आई थी। 1000 से अधिक घर पानी के नीचे गए थे। नंबर 8, येनेसी नदी। येनेसी नदी को दुनिया के सबसे बड़े नदियों में से एक माना जाता है जो मंगोलिया और चीन के माध्यम से चल रहा है जिसमें करीब 3448 मील का विस्तार होता है। नदी में मजबूत रैपिड्स हैं जो आमतौर पर बाढ़ का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा जो भाग अंधेरा घाटी के माध्यम से चलते हैं वह अक्सर बर्फ से बंद हो जाता है और ग्लेशियर रिट्रीट उत्पादन करता है जो नदी से निकलती है और आपदाओं का कारण बनता है। इसके अलावा नदी के विषाक्तता और उच्च स्तर के विकिरण एक प्लूटोनियम बनाने वाला कारखाना द्वारा दूषित होता है जो नदी के किनारे और आसपास के निवासियों के लिए एक स्वास्थ्य संकट है। नंबर 7 पे है कांगो नदी। कांगो दुनिया की सबसे गहरी नदी है जो 720 फीट की गहराई तक पहुंचती है। नदी इतनी गहरी है कि सूरज की किरण भी इसकी गहराई में प्रवेश नहीं कर सकता है। नदी का ऊपरी हिस्सा काफी खतरनाक है जबकि निचले हिस्से में कई घाटियां और झरने हैं। यह अमेजन नदी की सहायक नदी है। कांगो नदी को सबसे गहरी नदी माना जाता है। कांगो नदी अफ्रीका में स्थित है और लगभग 3000 मील की कुल लंबाई है। नदी के पास 75 मील लंबी घाटी है जिसे गेट्स ऑफ नरक कहा जाता है जिसमें नेविगेट करना असंभव है। यह एक और 60 मील खिंचाव के साथ अचानक समाप्त होता है जिसे स्टेनली फॉल्स कहा जाता है। जोसेफ कॉनराड ने इस नदी को अंधेरे का दिल कहा था। नंबर 6 पे है यांगेजी नदी। यांगेजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से कही जाती है। यह नदी चीन में बहती है। यांगेजी नदी वर्षा ऋतु में तो चीन के लिए एक आफत सी बन जाती है क्योंकि बारिश में यह अपने पूरे उफान पर होती है। चीन के सबसे बड़े नगर वुहान के बीच से यह नदी 6300 किलोमीटर में बहती है। यांगेजी नदी को चीन में जियांग नदी भी कहा जाता है जो औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित है। इस प्रकार मानसून में अपना प्रचंड रूप दिखाने के कारण यह दुनिया की खतरनाक नदियों में शामिल है। नंबर 5 पे है मिसिसिपी। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है और कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस नदी में सबसे खतरनाक जीव बुल शार्क और पाइक फिश रहती हैं, जो काफी खतरनाक हैं। ऐसे में आप यहां तैरने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी यहां कई ऐसे जलीय जीव रहते हैं जिनकी ज्यादा जानकारी नहीं है। नंबर 4 पे है ओरिनोको नदी। दक्षिण अमेरिका के माध्यम से करीब 1330 मील की लंबाई में चल रहा है। इसमें 200 से अधिक शाखाएं हैं और कई झरने हैं। इसके रैपिड्स के कारण नेविगेट करने में बहुत मुश्किल है और घने वर्षावन से दोनों ओर घिरा हुआ है, खासकर जब वेनेजुएला और कोलंबिया के माध्यम से पार करता है। ओरिनोको नदी के आसपास के निवासियों में बाढ़ और बाधित होना खतरे है। इसके अलावा यह तटीय अस्वास्थ्यता का अनुभव है जो स्थानीय लोगों के लिए खतरों का दावा करता है। नंबर 3 पे है पराना नदी। पराना नदी लगभग 3000 मील की दूरी पर अर्जेंटीना और पाराग्वे को पार करता है। पराना नदी में मजबूत धाराएं होती हैं और लगातार बाढ़ पैदा होते हैं, निर्माण और आसपास के शहरों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।
इसके अलावा यह नदी तटों, इमारतों और घरों को नष्ट करता है। नंबर दो पे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से आते हैं और असम घाटी और बांग्लादेश से लगभग 1800 मील की दूरी के साथ चलाता है। नदी परिवहन और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। फिर भी इसकी बाढ़ के कारण आसपास के शहरों में गंभीर नुकसान हुआ है। जब हिमालय की बर्फ वसंत में पिघल जाती है तो पानी की मात्रा बढ़ती है। यह तब होता है जब आने वाले ज्वार लहरों का प्रवाह करते हैं जो नदी की ओर वर्तमान की दिशा में यात्रा करते हैं और ज्वार की तरंगे बनाता है और नदी को नेविगेट करने के लिए बहुत मुश्किल बनाता है। अमेज़न नदी सबसे बड़ा है और उसमें पानी की मात्रा है जो कि ग्रह पर सबसे ज्यादा माना जाता है। इसकी जलीय जीवन विविधतापूर्ण है और इसका मछली काफी खतरनाक और सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप देखा जा सकते हैं। इसके अलावा यह कुछ बिंदु पर बहुत शक्तिशाली है। यह हर दिन 8 ट्रिलियन गैलन पानी को जारी करता है और लगभग 150 फीट गहरा पानी है। तो कैसे लगे ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।